तो जय हिंद साथियों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज के साथ आप लोगों के साथ फिर से एक बार। देखिए आपसे बात ये करना है कि जो आप मतलब ये वीडियो देख रहे हैं, इस चैनल से लगातार वीडियोस अपलोड किए जा रहे हैं, क्लास टेंथ के जितने भी सिलेबस हैं सभी के लिए मतलब अलग अलग टीचर पढ़ाए जा रहे हैं आपको, ठीक है। तो केवल पढ़ाई से कुछ नहीं होने वाला है, छोटा छोटा लक्ष्य बनाना पड़ेगा तब बड़ा मतलब लक्ष्य को हम लोग हासिल कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ही छोटा छोटा अगर हम लोग टेस्ट को देते चले तो बड़ा एग्जाम जो हम लोग का होने वाला है मैट्रिक वाला, उसको मतलब कोई उसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो हम लोग एक मतलब प्लान किए हैं कि आपको एक चैप्टर जो एपी का पढ़ाई हुआ है और फिजिक्स में भी पढ़ाई हुई है उसका एक टेस्ट हो जाए, ठीक है। तो बहुत सारे लड़के हैं जो ग्रुप में जुड़े हुए हैं, उनसे भी बात किए हम लोग, वो बोले कि जी सर टेस्ट हो जाए। जैसे बंटी था, कोई मनीष था, बंटी था, राहुल था, मनोज था, ठीक है, तीन चार बच्चे बहुत अच्छे अच्छे हैं, ऐसे तो सभी बच्चे अच्छे हैं, ठीक है, लेकिन वो लोग डेली होमवर्क बना के भेजते हैं और सारे भी बच्चे भेजते हैं, लेकिन उन लोगों का मैथ्स बनाने का जो तरीका है ना बहुत बढ़िया था, हम लोग पर्सनली उसको देखे चेक किए, ठीक है, बहुत बढ़िया था। तो यही आप लोग का एक टेस्ट होने वाला है जो कि संडे को होगा, ठीक है, और उस टेस्ट में एक ही चैप्टर का होगा मैथ में, जिसमें मैथ हम जो एपी पढ़ाए हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है, और फिजिक्स का भी होने वाला है, उसको भी आप लोग का बता दिया जाएगा, ठीक है। तो मैथ का जो टेस्ट होगा उसका टाइमिंग आधे घंटा रहेगा, मान लीजिए एक चैप्टर का टेस्ट है तो ज्यादा देर कोई मैंने नहीं रखा, ठीक है, आधे घंटे में आपको सभी प्रश्नों को करना होगा। देखिए पहला जो टेस्ट होगा संडे को, उसमें अगर किसी कारणवश से मतलब अगर आप अब्सेंट हो जाते हैं, ऐसे तो आपको अब्सेंट होना नहीं है, अगर अब्सेंट हो जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा, फिर आप सेकेंड जो टेस्ट होगा उसमें आप प्रेजेंट हो जाइए, बिल्कुल प्रेजेंट हो जाइए। अगर उसको भी आप किसी न किसी कारणवश मिस कर देते हैं तो जो थर्ड टेस्ट होगा उसमें प्रेजेंट हो जाइए जरूर। अगर थर्ड भी आप मिस कर देते हैं ना तो आप पढ़ने वाले नहीं है, तभी ऐसा हो रहा है आपके साथ। कैसे आप मतलब उम्मीद करते हैं कि आपका हर एक टेस्ट मिस हो जा रहा है? वैसे छात्रों को हम लोग कोशिश करके ग्रुप से निकालेंगे, समझ रहे हैं, भीड़ नहीं लगाना है, दो ही चार बच्चे रहेंगे, अच्छे रहेंगे, पढ़ने वाले रहेंगे, रिजल्ट लाना है इस चैनल से, हम लोग रिजल्ट लाने के लिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म पे आए, ठीक है। तो ऑल द बेस्ट, अपना पढ़ाई करते रहिए।